सब ठीक ठाक हो तो एप्पल टीवी पर एक सीरीज़ रिलीज़ हुई है शांतरम, और इस सीरीज़ को इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया। तो इसके अभी तक 4 एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं। तो कैसी है सीरीज़, तो चलिए बात करते हैं। तो थोड़ी सी कर लेते हैं कहानी के बाद। शांतरम में आपको कहानी देखने को मिलती है लिन फोर्ड की, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया से एक जेल से फरार होता है। तो फिर वहाँ रहने की बजाय वो क्या करता है कि नकली पासपोर्ट बनाकर बॉम्बे इंडिया में आ जाता है। तो यहाँ पर आते ही उसके भाई एक पंगा हो जाता है, उसका जो लूट लिया जाता है पैसा वैसा, और एक झोंपड़ी में रहना शुरू कर देता है। तो इसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, तो ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। तो शुरू के जो 4 एपिसोड है भाई साहब, काफ़ी स्टोरी को बुलेट करते हैं। पहला एपिसोड देखने के बाद ही आप जो कि लिन फोर्ड का करेक्टर है उससे जुड़ जाते हैं, बोल के बहुत ही अच्छी बात है यार। उस बंदे का एक्टिंग जो है ना भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त है। तो कहानी में आपको एक प्रभु नाम का बंदा देखने को मिलता है यार, उन दोनों की जो दोस्ती होती है लिन फोर्ड और उसकी, बहुत ही बढ़िया है। और यानी कि ये जो बंदा है ना भाई साहब लिन फोर्ड, ये हमेशा किसी न किसी पर यकीन कर बैठता है और अपने आप को एक कह सकते हो कि इलीगल मामले में फंसा बैठता है। तो ऐसा ही होता है वहाँ पर, जब वो आता है बॉम्बे में तो वहाँ पर कुछ गंदी संगत में जाता है और उनको समझ बैठता है फ्रेंड्स, बट वो उसको फंसा देते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स वगैरह और पॉलिटिक्स जो इस सीज़न में चलती रहेगी। तो उसमें ये बंदा फंस जाता है उन पर, और होता फिर की बात लड़की का ही मामला है भाई साहब। तो हर बार यही चलता है ज़्यादातर मूवीज़ में। तो ओवरऑल यार मुझे कहानी का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसको एक नावल से लिया गया है और शांतरम का मतलब बनता है कि मदद करने वाला। तो वो भी चीज़ आप इस सीज़न में देखने को मिलेगी, और हमें यही होता है कि भाई ये बंदा जो है किसी ना किसी तरह अपनी जो कि ये अपना ख्वाब देखना चाहता है पीस का, कि एक अच्छी लाइफ अब गुजार सकूँ। पहले ड्रग एडिक्ट होता है तो भाई ये पहुंच जाए उस तक। तो ओवरऑल फर्स्ट 4 एपिसोड ज़बरदस्त है। 1980 का जो दौर बनाया गया बॉम्बे, तो एकदम रियल लगेगा आपको। तो इस सीरीज़ में सब कुछ है। थोड़ी सी स्टोरी जो आप कह सकते हैं, जो लेंथ है सीज़न की, वो बड़ी रखी गई है। कहीं कहीं पर आपको कहानी ड्रैग करती हुई नज़र आ सकती है, अदरवाइज़ इस सीज़न इज़ बढ़िया है। क्योंकि इस सीज़न का जो ग्रे है वो एक्शन भी आता है, क्राइम। तो एक्शन तो अभी तक इतना नहीं देखने को मिला, बाकी क्राइम जो पॉलिटिक्स चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मुझे तो सीरीज़ यार काफ़ी पसंद आई। तो अगर आप एक्शन क्राइम के शौकीन हैं तो इस सीरीज़ को देख लीजिए। शुरू के 2-3 एपिसोड अगर आपने देख लीजिए तो ये हो नहीं सकता कि आप 4 एपिसोड ना देख लें। तो अगर मुझे इन 4 एपिसोड्स को रेटिंग देनी हो 5 में से, तो 3.5 रेटिंग दूंगा। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।